कुछ देर आसमान में रहकर ना बादलों को अक्सर ये गुमान हो जाता है कि अब आसमान पर उन्हीं का कब्जा है, पर एक हवा आती है और बादल तितर से बितर हो जाते हैं। हिंदुस्तान की सियासी पार्टियों को यही बात ध्यान में रखने की जरूरत है दोस्तों कि वो सिर्फ बादल है और हिंदुस्तान एक आसमान। नमस्कार दोस्तों, मैं संदेश बोस आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजनीति की शव परीक्षा इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों कि देश में धर्म पर बड़ी राजनीति होती है। धर्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपका जो ध्यान है वो अहम मुद्दों से हटाया जा सके। बेरोजगारी आपके जहन में आए ही ना, या कोई और मुद्दा आपके जहन में आए ही ना, भड़काऊ भाषणों का दौर आता है। बिल्कुल चुनाव के बिल्कुल नजदीक आते हुए, चुनाव जब नजदीक होता है तभी एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कह देता है कि हम तो आदमी की धर्म जो है उसके कपड़ों से ही पहचान लेंगे, या शमशान कब्रिस्तान की बात करता है, या फिर ये कहता है कि रमजान के दिन बिजली आती है पर दिवाली के दिन नहीं आती। ये बड़ा क्षति पहुंचाने वाला था दोस्तों पूरे समाज को। धर्म की बदौलत क्या होता है कि मॉब लिंचिंग होती है। एक भीड़, एक बेकाबू सी भीड़ आकर एक आदमी को मार डालती है और कोई कुछ नहीं कर पाता। सुबोध कुमार सिंह का एग्जाम्पल देखिए बुलंदशहर में, या फिर अखलाक का, यही हाल है दोस्तों। परिवारवाद का जो मुद्दा है वो हम बॉलीवुड पर तो बड़ा चीख चिल्ला रहे हैं पर राजनीति पर कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहा। राजनीति में क्या होता है कि जो पहली बार में एक नेता का पुत्र या पुत्री आती है, चुनाव में खड़ी हो जाती है बिना कुछ किए और उसे जनता जीता कह देती है, फिर वो मंत्री भी बन जाता है और कुछ नहीं करता, ठीक है, पर फिर भी हम उसके आगे पीछे घूमते हैं। तो मैंने इस पर लिखा था कि तुम सब बस झगड़ते रहना नेताओं के नाम पर और कार्यकर्ता बनकर खाते रहना सड़कों पर पुलिस की लाठियां, अरे तुम्हें बेवकूफों की तरह नजरअंदाज कर दिया जाएगा और बड़े बड़े ओहदों पर बिठाए जाएंगे नेताओं के शहजादे शहजादिया। मैंने देखा सभी ने पहनी है, किसी ने सफेद, किसी ने भंगी, तो किसी ने नीली टोपी। आजकल एक नया चलन चला है दोस्तों। अटल जी पहले कहा करते थे कि जो सत्ता मुझे खरीद फरोख से हासिल हो ना, मैं उसे चिमटे से भी नहीं चूंगा। पर आज क्या हो रहा है कि एक जो जनता है वो किसी एक पार्टी को चुन के देती है और अपोजिशन में बैठी हुई पार्टी कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, उस सत्ताधारी पार्टी के विधायक तोड़ के अपने साथ मिला के सत्ता बना लेती है, सत्ता पर काबिज हो जाती है। पर ये गलती भी हमारी है दोस्तों, हम ऐसे लालची लोगों को चुन के क्यों देते हैं जो कुछ रुपए के लिए अपना ईमान तक भेज देते हैं। आप क्या देखते हैं, सेना पर तो हम सबको गर्व है, हम सब देशभक्त हैं, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत तो नहीं है हमें, पर सेना पर जो राजनीति हो रही है वो बड़ी शर्मनाक है दोस्तों। मैंने कभी लिखा था कि हमारी हर हरकत की ये दुनिया मुखालिफत करती रही, हमारी रूह बेवकूफ फिर भी सबसे मोहब्बत करती रही, और क्यों नसीब होता है किसी बेईमान नेता की लाश को भी तिरंगा, जन्नत में बैठ कर ये शिकायत हर शहीद की शहादत करती रही, हर शहीद की शहादत करती रही। आखिर मैं इतना ही कहता हूँ दोस्तों कि हम अगर हमारा आम घर का लड़का राजनीति में जाना चाहता है हम क्या कहते हैं उसे कि बेटा मत जा, बेईमानों का काम। अरे माफ कीजिएगा, कोई पेशा थोड़ी बेईमान होता है, कोई पेशा थोड़ी खराब होता है, खराब होता है उस पेशे के लोग खराब होते हैं। हमें यह समझने की बात है दोस्तों, अच्छे लोग जाएंगे तो पेशा अपने आप अच्छा हो जाएगा। बस इतना ही बोल के मैं अपना विचार खत्म करता हूँ। शुक्रिया।